इस वक्त की बड़ी अपडेट की ओर आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अहमद खान के बेटे पर हमले होने की खबर आ रही है। खुर्रम खान पर आपको बता दें कि बदमाशों ने जानलेवा हमला किया है। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता जिन्हें आप टीवी पर देखते हैं अहमद खान को हाल ही में लगाया गया है, उनके बेटे पर आपको बता दें कि हमला हुआ है। अहमद खान के बेटे को लेकर विभूति खंड थाने आपको बता दें कि पुलिस पहुंची है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करा आगे की कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। अहमद खान का बेटा खुर्रम खान गलनिमले हमले में घायल हुआ है गंभीर रूप से, और खुर्रम और उनके दोस्तों पर आपको बता दें कि जानलेवा हमला हुआ जिसमें खुर्रम काफ़ी ज़्यादा घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भी आपको बता दें कि इलाज के लेकर गया है। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, ये बड़ी अपडेट। अहमद खान और पार्टी नेताओं का कहना है कि ये विरोधियों के बलबूते पर आपका हुआ है। वहीं पुलिस का कहना है कि जल्दी इस मामले में खुलासा किया जाएगा कि आखिर किसने ये घटनाक्रम किया, जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि घटनाक्रम के सामने आने के बाद पुलिस ने भी इस मामले में कार्रवाई करने की बात कही है। एपीवी न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।